अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आयान का स्कूल का टाइम हो गया है, 8:10 में बस आता है। यहाँ पे रोड क्रॉस करना पड़ता है, पास में ही है ना। इना यहाँ पे रेडी हो गया अभी स्कूल के लिए। आज क्या मिला है ना स्कूल में? स्टार। ये तो आज का नहीं है, नहीं ये तो उस दिन का है। तो मिला ये यहाँ पे स्टार इनायक को। तो इनायक का था यस्टरडे टेस्ट मंडे, पर कल स्कूल नहीं गए थे ईद के लिए। ईद तो संडे था, पर हमने कल भी सेलिब्रेट किया था, तो इसकी वजह से स्कूल नहीं गई थी। तो 1 से 80 तक लिखने के लिए दिया था, तो मैं वही सिखा रही थी एक हफ्ते से, लास्ट वीक पूरा आप लोग देख रहे थे। तो उसको 2 दिन मार भी मिला था, तो अच्छे से नहीं सीख रही थी। तो मार खाने के बाद अच्छे से सीख गई है, तो एक्सीलेंट और स्टार मिला है। तो इनाय है आज बहुत हैप्पी। दिखाओ इनाय यहाँ पे। वाओ, ये रही हमारी हीरोइन। उस तरफ घूमो। वाओ, और एक घूमो यहाँ पर। चश्मा खुल गया है। अच्छी तरह समझ लो। भाईजान कहाँ है? जो तुम चाहते हो। आयान थोड़ी देर पहले स्कूल से आया है, तो अभी फ्रेंड्स के साथ जाएगा। साइकिल चलाने के लिए रेडी है आयान। नाक पोछते हुए आ रहा है आयान। तो जिस स्कूल में आयान का एडमिशन किया था, तो उस स्कूल का ये यूनिफॉर्म है, उसका टी शर्ट है, तो वही पहन रहा है। दिखाओ अपना स्कूल का नाम क्या था। उस तरफ लिखा है ना, टेम्पल टाउन येरो स्कूल। टेम्पल टाउन येरो स्कूल है, टेम्पल रन नहीं है, ठीक है। जाओ खेलो फ्रेंड्स के साथ, दूर मत जाना, पास में ही खेलना, ठीक है। तो हम लोग क्या ड्रामा देख रहे हैं अभी? ये वाला ड्रामा नहीं, टीवी वाला ड्रामा। जखम 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 जखम, क्योंकि हिंदी मतलब इतनी अच्छी होती है कि मतलब दिल खुश होता है। तो कैसा होता है जखम? दर जखम ज जखम 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 जखम। का मदर सिस्टर इनको करना है, इसलिए जखम को ज ज, हाँ ऐसे वर्ड्स को बोलने चाहिए। ज ज़हनियत, जखम, बेगैरत। वाह क्या वर्ड सीखा है, वाह तालियां। वाह याद दफा हो तालियां। ये तो हमारे हिंदी सीरियल में होता है, ये पाकिस्तानी ड्रामा में ये सब नहीं होता। मैंने आज यूज किया था ये सब वर्ड्स। पाकिस्तानी ड्रामा का मतलब जो गुस्से वाला डायलॉग है ना, प्यारा लगता है वो सुनने में, है ना। क्या हुई? कुछ बोलिए। क्या बोलिए? टाइम देखिए 6:30 हो गया है। हाँ 6:30 देती हूँ नमाज पढ़ के। तो अभी ब्रेक लेंगे, अभी 6:30 हो गया, मगरिब का टाइम और 10 मिनट है। 6:50 को है मगरिब, तो मगरिब नमाज पढ़ने के बाद चाय दूंगी, बच्चों को भी खाने के लिए दूंगी कुछ। उसके बाद दोनों पढ़ाई करेंगे, अपना होमवर्क करेंगे स्कूल का। Hold me close till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the highways. तो ये है डोनट, हमारे बच्चों का फेवरेट। और चॉकलेट डोनट मिला था मेरे को, तो वो मैं लेकर आया हूँ अयान और इनाया के लिए। इनायन ऑलरेडी धावा बोल दिया है, अटैक कर दिया है डोनट के ऊपर। उसका दो मटर हो चुका है, उसका आधा पीस पड़ा हुआ है प्लेट पे। इसका ऊपर का ये क्या हुआ डोनट का? ये वो घर में मतलब उसको हीट किया था ना, तो हीटअप में वो चाय से निकल गया वो चॉकलेट। कैसा है? बस अभी इनाया खाया कि आयन ने बोला कि उसको डोनट पसंद नहीं है, तो वो मैं खा लूंगा। वो पसंद है कि नहीं? तो डोनट पसंद नहीं है ना? सच बोलना, तुम्हें डोनट पसंद नहीं है, राइट?
ये दे रहेगा, ये बोल रहा है हाँ आधा आधा कर लो, आधा पापा को दो, आधा आप लो और आधा मैं खाऊंगा, ऐसा करके बोला। इसने बोला इसका दिल बहुत बड़ा है आयान का, इसका दिल बहुत बड़ा है। हिनाय पूछेगी नहीं, हिनाय सिर्फ खाएगी। देगी ना आधा हाफ? हिनाय किसी को भी कुछ भी चीज नहीं देती है, आयान शेयर करके खा रहा है। टी शर्ट में अच्छा लग रहा है आयान, कॉलर वाले टी शर्ट में। राउंड नेक में अच्छा नहीं लगता है, दोनों को अच्छा नहीं लगता, बाप को भी अच्छा नहीं लगता है, कॉलर टी शर्ट भी अच्छा लगता है। राउंड नेक मुझे पसंद ही नहीं है, सिर्फ कॉलर नेक ही अच्छा है। तो ये दोनों खाने के बाद होमवर्क करेंगे, हम दोनों के लिए चाय बना रही हूँ। आज मैं बनाने वाली हूँ केरला स्टाइल फिश करी। तो मैंने फिश को रोहू और आइला लिया है बांगड़ा, तो इस दोनों को मैंने थोड़ा सा हल्दी कश्मीरी मिर्च और नमक डाल के थोड़ा सा फ्राई कर लिया था, तो उसी ऑयल में मैं बनाऊंगी। तो इसमें मैंने प्याज और लहसुन को थोड़ा सा बारीक कूट लिया था, तो वही डाल रही हूँ। थोड़ा सा करी पत्ता ऐड कर रही हूँ, तो प्याज और लहसुन को अच्छे से भून लेंगे थोड़ा सा। तो इसमें मसाला ऐड करूँगी, तो इसमें डाल रही हूँ हाफ टी स्पून हल्दी, हाफ टी स्पून कश्मीरी मिर्च, आप चाहे तो इसके साथ हरी मिर्च भी ऐड कर सकते हैं, 1 टीस्पून धनिया पाउडर। तो इस मसाले को अच्छे से भून लेंगे। मिर्ची आप अपने हिसाब से ऐड कर सकते हैं, मैं ऐड नहीं कर रही हूँ क्योंकि मेरे घर में बच्चे हैं। नमक स्वाद अनुसार, इसी के साथ मैं ऐड कर रही हूँ 2 मीडियम साइज टमाटर, आप टमाटर के प्योरे भी ऐड कर सकते हैं, मैं यहाँ पे बारीक चॉप कर लिया था मैंने, तो वही ऐड कर रही हूँ। टमाटर को अच्छे से भून लेंगे और अच्छे से गला लेंगे, धीमी आंच पर 2 मिनट के लिए टमाटर को अच्छे से भून लेंगे। तो टमाटर अच्छे से गल चुके हैं, तो देख सकते हैं आप लोग। तो इसमें ऐड कर रही हूँ मैं कोकोनट मिल्क, तो ये घर में बनाया हुआ कोकोनट मिल्क है, आप चाहे तो मार्केट से भी ले सकते हैं रेडीमेड वाला, आप अपने हिसाब से ऐड कर सकते हैं, आपको कितना थिक करी चाहिए उसके हिसाब से। तो इसको सोए, तो ये रेडी हो गया है आज का हमारा डिनर। तो इन दोनों का हो गया है सोने का टाइम, तो ये दोनों अभी सोने जा रहे हैं, हम दोनों ने खाना नहीं खाया, तो हम डिनर करेंगे, डिनर के बाद सोएंगे क्योंकि है स्कूल, कल स्कूल दोनों का, तो जल्दी सो जाएंगे। अभी 10 बजने में और 10 मिनट है, तो 10 बजे तक अच्छे से सो जाना चाहिए, किसी की आवाज़ नहीं आना चाहिए रूम में, तो अच्छे से सो जाओ। तो अगले ब्लॉग में मिलेंगे, तब तक के लिए अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक एंड शेयर नहीं किया तो कर दीजिए। अल्लाह हाफिज़।